बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडिकल ग्लोब ई लर्निंग। आई एम आयरा हमीद फ्रॉम साहिवाल मेडिकल कॉलेज। आई विल डिस्कस ईएनटी गाइडलाइंस फ्रॉम ढिंगरा एडिशन 7। जैसे कि मैंने पहले आपके साथ ईएनटी गाइडलाइंस फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 तक डिस्कस की हैं, आपको चैप्टर वाइज मार्क करवाया कि कौन से एमसीक्यूज करने हैं, कौन से एसएक्यूज करने हैं, कौन से वाइवा के लिए करने हैं, ठीक है। अब हम चैप्टर 6 से जो है ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 6 जो है असेसमेंट ऑफ वेस्टिबुलर फंक्शंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए। इस चैप्टर को आपने एज अ वाइवा जो है वो प्रिपेयर करना है। कौन कौन से टेस्ट हैं? दो तरह के टेस्ट हैं, क्लिनिकल टेस्ट हैं और लेबॉरेटरी टेस्ट हैं, ठीक है। क्लिनिकल टेस्ट कौन से हैं उसके जस्ट आपने नेम्स याद कर लेने हैं। निस्टैग्मस क्या होता है, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट किया, ये आपने करना है। निस्टैग्मस, उसकी टाइप्स, उसकी डिग्री जो कि इस टेबल में दी हुई है 6.1 में, उसकी डिग्रीज ये भी आपने करनी है। 6.2 टेबल जो है ये भी आपने करना है। उसके बाद आता है टेस्ट ऑफ सेरिब्रल डिसफंक्शन, ठीक है। इसके जो है कौन कौन से सेरिब्रल डिसफंक्शन में हम टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं, ये आपने सारे नाम उसके करने हैं। लेबॉरेटरी टेस्ट ऑफ वेस्टिबुलर फंक्शन, ठीक है, इसके भी जस्ट नेम्स आपने करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर 7 है, डिसऑर्डर्स ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ वही टॉपिक्स करने हैं जो मैंने मार्क्ड किए हुए हैं, ठीक है, जो जो लाइन्स मैंने मार्क्ड की हुई हैं आपने वो करनी है। जैसे कि इसमें जो है एक टॉपिक है बिनाइन पैरोक्सिज्म पोजिशनल वर्टिगो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने जो है वो याद करना है, ठीक है। कौन सा मनूवर जो है इसमें परफॉर्म करते हैं, ये आपका एमसीक्यू है, ठीक है। मनूवर में कितनी पोजीशंस हैं, ठीक है, क्या क्या होता है, ये आपने याद करना है। वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस जो है इसमें क्या होता है, ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपने करना है। वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स जो हैं इसको जस्ट आपने रीड कर लेना है, पेरिफेरल कौन से होते हैं, सेंट्रल कौन से होते हैं। वेस्टिब्यूलर टॉक्सिक ड्रग्स कौन से, उनके नेम जो है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर एट, ठीक है। चैप्टर नंबर एट जो है वो डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल ईयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए भी और एसीक्यूज़ के लिए भी। अब ये जो पहला टॉपिक है डिजीज़ ऑफ द पिन्ना, ठीक है, इसको आपने रीड करना है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, पिनेट ईयर जो है वो इस फॉर्म होती है माइक्रोशिया की, ठीक है, ये एमसीक्यू है आपका। कोलोबोमा जो होता है एक ट्रांसवर्स क्लेफ्ट होता है, ठीक है, पिन्ना में इन द मिडल, ये एमसीक्यू है आपका। डार्विन ट्यूबरकल क्या है, स्टॉल्स ईयर में क्या होते हैं, ठीक है, ये आपने करना है। ये डायग्राम्स जो हैं वो आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है, ठीक है। इस तरह से एक डायग्राम दे देते हैं, देन कहते हैं इसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है, उसका डायग्नोसिस लिखें, इसका जो है आप क्या ट्रीटमेंट करोगे, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये आपका ओएसपी के क्वेश्चन जो हैं ये तैयार होंगे, ठीक है। तो आपने डायग्राम से ओएसपी करनी है, ये सारे ओएसपी के लिए डायग्राम्स हैं, ओके। जो नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एसीक्यू है वो है ट्रॉमा टू द ऑरिकल, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हिमाटोमा ऑफ द ऑरिकल जो है ये हो सकता है। उसमें क्या क्या होता है, कॉलीफ्लावर ईयर क्या है, जिसको बॉक्सर्स ईयर भी कहते हैं, पुजुलिस्टिक भी कहते हैं, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गया। इसका ट्रीटमेंट सब कुछ आना चाहिए आपको, एज ए एसीक्यू आपने इसको तैयार करना है। एवोल्यूशन ऑफ पिन्ना, फ्रॉस्ट बाइट, इसको जस्ट आपने रीड करना है। फ्रॉस्ट बाइट में जो है किस तरह से रिवॉर्मिंग जो टेम्परेचर उसका कितनी रेंज का होता है, ये एमसीक्यू है आपका, ठीक है। ये डायग्राम भी आपने किलोइड फॉर्मेशन जो हुई हुई है, ठीक है, ये करनी है। किलोइड ऑफ ऑरिकल क्या होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रीटमेंट ये सब कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, पेरिकोंड्राइटिस एक इंपॉर्टेंट एसीक्यू आपका, ठीक है, इसको आपने ऐसे एसीक्यू जो है वो प्रिपेयर करना है। देन आ जाते हैं डिजीज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, इसको जस्ट आपने रीड कर लेना, कौन कौन से इसके नेम हैं, कौन सी डिजीज हैं, ठीक है, इनको आपने जो है वो रीड कर लेना है। ये डायग्राम जो है पेरिकोंड्राइटिस की, ठीक है, ये भी ओएसपी के लिए आपने तैयार करनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर कैनाल, इन्फेक्टिव ग्रुप कौन से है, रिएक्टिव ग्रुप कौन से है, ठीक है। इसमें फ्रंकल बहुत इंपॉर्टेंट एसीक्यू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसीक्यू है, ठीक है। कौन से जो है वो ऑर्गेनिज्म मोस्टली होता है, स्टेफलोकोकस है, ठीक है, ट्रीटमेंट उसका क्या है, ठीक है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, किस केस में एसोसिएटेड है, रिकरेंट के पेशेंट जो है उसमें आपने डायबिटीज़ को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एसीक्यू है, ठीक है, उसकी क्रोनिक फेज, उसके कॉमन ऑर्गेनिज्म, क्रोनिक फेज, एक्यूट फेज, उसका ट्रीटमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एसीक्यू है।
ओके उसके बाद आता है डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्नम, ठीक है, इसकी इटियोलॉजी क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट सब कुछ। उसके बाद आ जाता है ऑटोमाइकोसिस, ऑटोमाइकोसिस बहुत इंपॉर्टेंट एसिक्यू है, कौन से ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं, क्या इसके फीचर्स आते हैं, ठीक है, ये सारा एमसीक्यू उसके लिए आपने करना और बहुत इंपॉर्टेंट एसिक्यू है, इसका ट्रीटमेंट सब कुछ आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ओटाइटिस एक्सटर्नल हेमरेजिक का, ठीक है, इसको जस्ट आपने रीड करना है कि इसमें जो है वो हेमरेजिक बुल्ला फॉर्मेशन होती है, ठीक है, हर्पिस जोस्टर ओटिकस एमसीक्यू के लिए है, ठीक है, कहाँ पर होता है, किस ग्रुप में होता है, कौन से नर्व्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ये आपने एमसीक्यू के लिए तैयार करना है। मेलिग्नेंट या फिर नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्नल बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, इसके सिनेरियो में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का बहुत जिक्र होगा, ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, ठीक है, ये आपने तैयार करना है। इसका डायग्नोसिस है गैलियम 67 के थ्रू, टेक्नीशियम 99 के एमसीक्यूज हैं आपके। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने कंट्रोल करना है डायबिटीज़ को, ठीक है, देन एंटीबायोटिक थेरापी देनी है आपने उसको। एक्जिमेटस ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये सारे आपने जस्ट रीड करना है ये टॉपिक्स, ठीक है। मिसलेनियस कंडीशंस क्या होती हैं जिसमें इम्पेक्टेड वैक्स और सीरोमन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिक्यू है, ठीक है, इस तरह से इसके जो है ट्रीटमेंट, ठीक है, किस तरह से आपने करना है, टेक्निक ऑफ सिरिंजिंग क्या होती है, ठीक है, कौन सी नर्व जो है वो इसमें डैमेज हो सकती है इस केस में, ठीक है, और उसकी टेक्निक क्या है, पिना को किस तरह से पुल करना है, ठीक है, ये सारा एमसीक्यूज में आएगा। इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन, उसके बाद आता है फॉरेन बॉडीज ऑफ ईयर, ठीक है, नॉन लिविंग होती हैं और लिविंग दोनों हैं, और उनका जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी दोनों का अलग है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिक्यू है ये भी आपका। केराटोटिस ऑब्चुरेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट एसिक्यू है, ठीक है, कुरेक्शन हो जाती है पर्ली वाइट मैस की, ठीक है, इटियोलॉजी, इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वायर्ड एट्रेसिया एंड स्टेनोसिस मिएटिस, इसको आपने जस्ट रीड कर लेना है, ठीक है, डिजीज ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है, ये एमसीक्यू है। रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोन ऑफ लाइफ लाइट जो होती है वो एबसेंट होती है, इंटरप्टेड होती है, ठीक है, यह आपने करना है। और इसके एंटीरियर पोस्टीरियर मेलियल फोल्ड जो होते हैं वो सिकल शेप दे रहे होते हैं, ठीक है। मरिंजियाइटिस बुलोजा जो है ये मोस्ट कॉमन जो इसका ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोप्लाज्मा नमूनिया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, ये डायग्राम्स जो हैं साथ साथ आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है, ठीक है, ये आपने सारा जो है रीड कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, यूस्टेशियन ट्यूब एंड इट्स डिसऑर्डर्स, ठीक है, इसको आपने रीड करना है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए कि यूस्टेशियन ट्यूब जो है होती क्या है, कितना उसकी जो है वो लेंथ है, उसकी मेजरमेंट क्या है, उसका एंगल क्या होता है, ठीक है, ये आपने करना है, ये सारे आपके एमसीक्यूज कवर होंगे, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में कितने मसल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनका क्या फंक्शन है, उनकी क्या नर्व सप्लाई है, ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज हैं आपके। बिटवीन द इन्फेंट एंड अडल्ट यूस्टेशियन ट्यूब में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये आपने करना है, ये आपको टेबल में बताती हूँ, वहाँ से आपने करना, इसके फंक्शंस आने चाहिए आपको, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है दोनों का डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आते हैं इसमें से, ठीक है, एमसीक्यूज ही आते हैं, उसकी लेंथ क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, एंगल क्या है, ठीक है, ये वाला 45 डिग्री, पहले जो है वो 10 डिग्री होता है, देन 45, और एडल्ट्स में 45 ही होता है, ठीक है, ये एमसीक्यूज हैं आपके। कॉजेज ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब जो है, ठीक है, ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, ये आपने टेबल एक दफ़ा रीड कर लेना है, ठीक है, डू दिस टेबल। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इसमें ऐसे क्यों आता है वो होता है पेचुलस यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है, इसमें यही कंप्लेन होती है कि हियरिंग इज ऑन वॉइस, ठीक है, ऑटोफोनी, तो ये इम्पोर्टेंट ऐसे क्यों है, और ये साथ में ओएसपी की डायग्राम है, ये आपने करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10, ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ मिडल ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, होल चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्यों है, ठीक है, होता क्या है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसके ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से, रूट्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हैं, किसके थ्रू होता है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं इसके, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी क्या है, कौन कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं इसको, ठीक है, ये सारे हाईलाइटेड हैं, ये सारे एमसीक्यूज हैं आपके। पैथोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स में ये जो अलग-अलग से स्टेजेस हैं ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट इसका क्या है, एंटीबैक्टीरियल थेरेपी है, ठीक है, ये सारी इनके जस्ट जो ट्रीटमेंट, इनके जस्ट आपने नेम्स कर लेने हैं,
एक्यूट नेक्रोटाइजिंग और टाइटस मीडिया वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू, ठीक है। इसके कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ट्रीटमेंट क्या है इसका, ठीक है। ये आपने जस्ट ड्रग्स के नेम कर लेने हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ड्रग के नेम। देन ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूएनम, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी क्यों आप देखें, इसमें इसके काफ़ी नेम है, सिक्रेटरी म्यूकॉइड ग्लू ईयर, ठीक है, ये सारे इसके नेम है। इसकी पैथोजेंसिस क्या है, इटियोलॉजी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी इटियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑटोस्कोपिक पे हमें क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं, ये सारे एमसीक्यूज़ हैं। डल ओपेक होती है, थिन लीश ऑफ ब्लड वेसल्स होती है वो मिलती है, ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज़ हैं। हेयरिंग टेस्टिस में एमसीक्यू के लिए भी एसीक्यू भी है और वाइवा क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, हेयरिंग टेस्टिस में पूछते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में अपने नेम्स कर लेने हैं इसके, ठीक है। उसके बाद है स्क्वेला ऑफ क्रोनिक सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया क्या होती है, इसके भी जस्ट आपने नेम्स कर लेने हैं, ठीक है। एरोटाइटिस मीडिया ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है, आपने इसको एससीक्यू के तौर पे ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म एक दफ़ा रीड कर लेना है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ठीक है। देन है रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया, इसको जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है। रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया जो है रीड ओनली, ओके। Medical Globe introduces its series of successful publications, MBBS Cracks, the Benchmark of All, containing all the chapter-wise questions of prime importance, all NVOL and softly solved university questions, chapter polls, beautifully oriented ENT quick review tables and charts, past UHS keys, and of course, pathology and community medicine OSPI along with eye and ENT complete instrumentation. Medical Globe has also launched a gem in a medical world to master every concept for your multiple choice questions. The MCQ cracks encompassing UHS, NAMS and many others, revealing the UHS MCQ bank, practice MCQs and topical MCQs. Get your MCQ and the MBBS cracks at your doorstep by placing your order at 0335-66-33007.